गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बेलघाट थाना क्षेत्र में गड्ढे में मिली 14 वर्षीय बच्चे की लाश, हत्या की आशंका। एसपी साउथ ने कहा तफ्तीश है जारी, जल्द होगा खुलासा। कोविड-19 पर प्रभावी लगाम लगाने के मद्देनजर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। कोरोना की जंग जीत कर आए जिलाधिकारी का किया गया स्वागत। कहा कोरोना से होने वाले मृत्यु दर को किया जाए खत्म। 15 अक्टूबर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 24 घंटे होगी कोरोना की जांच। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई दुर्गा पूजा स्थापना तथा मूर्तियों के विसर्जन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। शासन के गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। कहा त्योहारों से अधिक मूल्यवान है जीवन। शासन की गाइडलाइन के तहत ही मनाए त्योहार, रहे सुरक्षित। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग के कायाकल्प प्रेरणा ऐप सहित अन्य योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक। कहा कायाकल्प योजना में जनपद को प्रदेश के 5वें स्थान पर पहुंचाने का है लक्ष्य। सुधारी जाएगी शिक्षा की गुणवत्ता। मुख्यमंत्री के द्वारा महानगर के विभिन्न विकास कार्यों के किए गए शिलान्यास को पूरा किए जाने को लेकर महापौर ने की बैठक। कार्यों को अति शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। ऑपरेशन क्लीन के तहत मंगलवार को जीआरपी, आरपीएफ एवं डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे स्टेशन पर की गई चेकिंग। सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय तथा गोरखधाम स्पेशल ट्रेन के एसी बोगियों, स्लीपर कोच को किया गया चेक। नहीं मिला कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 156 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 17,463, एक्टिव मरीज हुए 1,487। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में बनाए जाने वाले कोरोना जांच सेंटर के कार्यों का सीडीओ और एसडीएम सदर ने किया औचक निरीक्षण। कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। चिलुआताल पुलिस ने महराजगंज जनपद के हिस्ट्री शीटर शातिर अपराधी रंजीत चौहान को अवैध असलाह व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। शिक्षेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर माध्यमिक शिक्षेत्तर एसोसिएशन के बैनर तले किया गया धरना प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष ने मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। एनडीआरएफ के द्वारा राप्ती नदी के तट पर 65 आपदा मित्रों व डिजास्टर मैनेजमेंट के 20 विद्यार्थियों को इम्प्रोवाइज राफ्ट बनाने, घरेलू सामानों से तैरने वाली डिवाइस तैयार करने संबंधित दी गई जानकारी। आपदा से निपटने के लिए दिलाया गया शपथ। और दुर्गा पूजा पांडालों में स्थापित होने वाली मूर्तियों को मूर्तिकार दे रहे हैं आखिरी स्वरूप। नवरात्र के 6वीं को स्थापित होगी माँ दुर्गा की प्रतिमाएं।